अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक आला मिजाज होंगे। एंड गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वॉचर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्ती, बड़ी ट्रेंडिंग सी एक नेकलाइन शेयर करूँगी, जिसका नाम होगा रफल नेकलाइन। और ये वन साइडेड हमारी रफल नेकलाइन होगी, और ये बड़ी मुझे रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये मैं अपनी बहुत ही क्यूट से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बना रही हूँ, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी। और आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्विकली, ठीक है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ना दो मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि ये जो हमारी रफल का जो स्टाइल है वन साइडेड है, ये एसिमेट्री हमारी रफल का स्टाइल होगा। पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये वन साइडेड है हमारी, या आप कह सकते हैं कि ये सेंटर फ्रंट से ये हमारी जो रफल का डिज़ाइन है वो निकल रहा है, लेकिन ये बनी कैसे हुए, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपने कि आपने इसको सेंटर से हमारा जो हमारा पार्ट है, या जो हमारी जो हमारी शर्ट होगी, आपने उसको कट करके अंदर अटैच करना है, या आपने एक सिंपल ऊपर उसको पैनल में देना है, ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो अब आए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले अपना बैंड चाहिए होगा, और उसके बाद हमारी दो मेजरमेंट होंगी रफ़ल की, तो वो हम लेंगे। अब मैं अपनी रफ़ल को मैं करना चाह रही हूँ, मैं सेंटर से इसकी लूँगी, ठीक है। ये मेरा सेंटर, तो मैं इसको 10 तक करती हूँ, ठीक है। 10 तक मैं इसकी जो एक मेरा पार्ट या जो एक हमारा कॉर्नर कह सकते हैं मैं वो लूँगी, और दो हम जो जहाँ पर मेरी रफ़ल को मैं अटैच करूँगी वो मेरा होगा तकरीबन साइडेड है, तो ये 4.5 आ रहा है, ठीक है। मेरी मैनिकन के हिसाब से 4.5 है, 4.5 मैं वो करूँगी, और देन मैं दूसरा जो मैं लूँगी पार्ट मेरी रफल का जो एंड होगा वो मैं 5 कर लेती हूँ, ठीक है। चलें आए अब इसको स्टार्ट करते हैं, किसने बनना कैसे। ओके डियर वॉचर्स, तो मैंने फैब्रिक ले लिया है, मैं एक स्ट्रेटिंग लाइन लगाऊंगी बोथ साइड पे, क्योंकि मेरी जो नेक लाइन है वहाँ पे मैंने गैदर्स ऐड करने हैं, तो उस हिसाब से मैं इसका ले रही हूँ, जो मेरा पार्ट है ऊपर वाला वो मैं ले रही हूँ 15 इंचेस, ठीक है। 15 इंचेस मेरा ये हो गया, 10 इंच मैं यहाँ से लूँगी, 5 इंच मैं यहाँ से लूँगी, जो मेरे पॉइंट मैंने मार्क किए थे। अब मैं 10 और 5 को मैं एक राइट एंगल की लाइन लगाऊंगी, दूसरी साइड पर राइट एंगल लगाऊंगी। राइट एंगल लगाने से हमारी शेप बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। उसके बाद मैं अब इन दोनों पार्ट्स को एक अच्छी सी शेप में कन्वर्ट करूंगी, कुछ इस तरह से। मेक श्योर मैं होप कर सकती हूँ कि आपको ये नजर आ रही होगी। अब इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, देख रहे हैं कुछ इस तरह से इस पैनल की शेप आई है। तो अब मैं इसको मैनिकिन के ऊपर लेके इसके गैदरिंग में देती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसने कैसे इसकी अचीव होनी है रियल शेप, ठीक है। ओके डियर वॉचर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सबसे पहले मैंने ओके डियर वॉचर्स, आप देख रहे हैं कि पैनल को मैंने रेडी कर लिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम इसको अटैच करेंगे, तो सबसे पहले हमने इसका सेंटर फ्रंट को सिक्योर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो हमारी नेक लाइन है यहाँ पे आपने गैदर सेट करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी वन साइडेड है हमारा, तो कुछ इस हिसाब से हमने इसको मैनेज कर। Bye.
बारी आती है हमारे बैन अटैच करने की, तो आए उसको अटैच करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी नेकलाइन ओके डियर वॉच, आप देख सकते हैं कि ये जबरदस्त सा हमारा पैनल, हमारा जबरदस्त सा नेकलाइन, फ्रिल नेकलाइन रेडी हो चुकी है। वन साइडेड 8 सिमेट्री हमारी ये फ्रिल नेकलाइन है, और ये हम ऊपर मैंने सिंपल बैन अटैच किया है। ये पैनल मैंने आपके सामने इसको बनाया, किस तरह से इसको बनाना है अब डिपेंड करता है। आप इसको बोथ साइड पे भी कर सकते हैं, जब मैंने आपको पहले बताया कि आप डिपेंड करता है कि आपने अगर जब यहाँ से इसको अटैच करना है, अगर अंदर से आप चाह रहे हैं कि अटैच हो, तो आप इसको जो हमारा जो लोअर पार्ट होगा बॉडी का, तो आप इसको स्ट्रेटिंग कटिंग करके आप इसको अंदर स्टिच में दे सकते हैं, नहीं तो इसको ऊपर ऐसे ही आप इसको रहने दे सकते हैं, ठीक है। और जिन व्यूवर्स को या जिन मेरे सब्सक्राइबर को सिंपल बैन स्ट्रेट बैनिंग बनाना नहीं आता, तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटिंग बैन बनाना सिखाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ वॉचर्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे से कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।